Good morning, this is Anjay. Let's view Chinese letters of English alphabets. Guys and girls, Assalamu alaikum. आइए आज हम alphabet की Chinese देखते हैं कि alphabet A to Z को Chinese में कैसे लिखा जाता है और कैसे पुकारा जाता है. Guys and girls, let's have a look up here. The first one is M, capital M and small m. English में capital और small m हम यहाँ देख रहे हैं और इसकी Chinese इस तरह से लिखी जाएगी. Chinese में M को इस तरह लिखते हैं और इसे पुकारते हैं मोआ 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 मोआ. ये यहाँ आप देख रहे हैं मोम हमने लिखा है मोम और इसका जो है मीम इसको क्रॉस कर दिया है, इसको ओमिट किया है, तो मो मोआ 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 मोआ. इंग्लिश के कैपिटल और स्मॉल लेटर एम को चाइनीज में इस तरह से लिखा जाता है और मोआ 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 पुकारा जाता है. व्यूअर्स, आपने देखा कि चाइनीज में एम जो है इंग्लिश का एम बड़ा और छोटा चाइनीज में कैसे लिखा जाता है और उसे मोआ 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 पुकारा जाता है. उर्दू का खूबसूरत लफ्ज है मोम, मोम का एम हज़्फ कर दिया जाए तो मो बच जाता है. मो के साथ आगे आ, उर्दू का आ लगा हुआ है, मोआ 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 मोआ. ये चाइनीज है और ये इंग्लिश के लेटर एम, अल्फाबेट लेटर की एम की चाइनीज है. आइए अगला लेटर देखते हैं. नेक्स्ट वन इज एन, एन एन कैपिटल और एन स्मॉल. इसका देखें चाइनीज में इस तरह से लिखा जाएगा और इसे पुकारेंगे नोआ 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 नोआ. इसे नोआ पुकारेंगे और यहाँ पे आपने देखा नवासा लिखा हुआ है, नवासे के अलफ और सीन को ओमिट कर दिया जाए, क्रॉस करेंगे तो नो बचता है, नोआ 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 नोआ. गाइस, आपने देखा कि चाइनीज में नोआ जो है नोआ नोआ इंग्लिश के एन को पुकारा जाता है और लिखा जाता है. इंग्लिश का एन कैपिटल और स्मॉल एन को चाइनीज में नोआ 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 पुकारते हैं और इस तरह से चाइनीज में लिखा जाता है. आइए अगला लेटर देखते हैं इंग्लिश का ओ. ओ यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल ओ और स्मॉल ओ. ओ को इस तरह से लिखा जाता है और पुकारा जाता है ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ. यहाँ पे देखिए हमने अव्वल लिखा है, उर्दू का अव्वल, अव्वल का एल जो है इसको क्रॉस कर दिया है, ओमिट किया है, इसलिए हमारे पास ओ बच गया, अलबा ओ और ओ आ चाइनीज में ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ. इंग्लिश के लेटर ओ को चाइनीज में ओ आ पुकारा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है. आइए अगला इंग्लिश का लेटर देखते हैं पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी. इसे इस तरह से लिखा जाएगा, चाइनीज में पी को इस तरह से लिखा जाता है और इसे पुकारा जाता है हो आ 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 हो आ. यहाँ पे देखिए फल लिखा
हमने फल 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 फ्रूट को कहते हैं फल फल है फल का हमने एल क्रॉस किया है एल को ओमिट किया है हजफ किया है बात फिर हमारे पास फे बच जाता है तो फे से फो फोआ 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 इंग्लिश के लेटर पी को चाइनीज में फोआ 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 पुकारा जाता है। गाइस आपने दो मजीद इंग्लिश के लेटर देखे ओ देखा आपने कैपिटल ओ लेटर ओ और स्मॉल ओ इन दोनों को चाइनीज में किस तरह से लिखा गया है और इनको ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ पुकारा जाता है। फिर आपने दूसरा इंग्लिश का लेटर देखा पी कैपिटल पी और स्मॉल पी और इनको इनकी तहरीर भी देखी कि चाइनीज में कैसे लिखा जाता है और आसान है राइटिंग चाइनीज में और इनको पी को इंग्लिश के पी को कैपिटल पी और स्मॉल पी को चाइनीज में पुकारा जाता है फो आ 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 फो आ। आइए अगला इंग्लिश का लेटर देखते हैं नेक्स्ट लेटर इज क्यू इंग्लिश का लेटर क्यू है यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इंग्लिश का हमने लिखा है अल्फाबेट में से कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को चाइनीज में इस तरह से लिखा जाएगा ये चाइनीज है चाइनीज में इस तरह से लिखा जाएगा और इसे पुकारा जाएगा छी 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 छी। यहाँ आप देख रहे हैं हमने छ लिखा है छ छ से छोटी ये सात मिला के छी 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 छी। इंग्लिश के लेटर क्यू को कैपिटल बड़े क्यू को और छोटे क्यू को चाइनीज में छी 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 पुकारा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। गाइस आपने देखा कि इंग्लिश का क्यू जो है इसे चाइनीज में किस तरह से लिखा जाता है राइटिंग आसान है चाइनीज में लिखना और इसकी प्रोनंसिएशन अदायगी भी आसान है कि इसे कैसे बोला जाता है छी 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 छी। तमाम प्रोनंसिएशन जो लेटर्स हमने दोहराए हैं जिनको हमने रीड आउट किया है आपने देखा कि इनकी प्रोनंसिएशन अदायगी जो है अजहारे अदायगी का जो एक्सेंट है वो मकामी ज़बानों में है इसलिए इनको याद करना मेमोराइज करना इजी है और इंतहाई खूबसूरत है ये इंतहाई खूबसूरत आवाज़ें हैं। आइए अगला लेटर देखते हैं क्यू के बाद है आर कैपिटल आर और छोटा आर इस आर को चाइनीज में इस तरह से लिखा जाएगा आर आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा और इनके ऊपर ये मुख्तलिफ एहराब हैं साइंस हैं और यहाँ पे देखिए इनकी आवाज़ें हमने लिखी हैं अपनी उर्दू में और इसको आर को पुकारा जाएगा ये 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 ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ी ये है उर्दू की बड़ी ये और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसके नीचे दो नुकात हैं और इसे बोला जाएगा आर को इंग्लिश के आर को कैपिटल और स्मॉल को चाइनीज में पुकारेंगे ये 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 ये। गाइस आपने देखा कि इंग्लिश का आर जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर जो हैं इनको चाइनीज में ये 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 पुकारा जाता है। आइए अगला लेटर देखते हैं इंग्लिश का एस कैपिटल एस और स्मॉल एस कैपिटल एस और स्मॉल एस इंग्लिश के लेटर्स हैं इन्हें चाइनीज में इस तरह से लिखा जाता है
और इन्हें पुकारा जाएगा सोआ 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 सोआ। यहाँ हमने सो लिखा है, यहाँ हमने डिजिट्स में और राइटिंग में उर्दू में सो लिखा है, तो सो जो है इसके साथ आ का इजाफा किया गया है। इंग्लिश के एस को कैपिटल और स्मॉल एस को चाइनीज में सो आ सो आ सो आ सो आ पुकारा जाता है। गाइज आपने देखा कि आज हमने एम से लेके एस तक इंग्लिश के लेटर, इंग्लिश के हरूफ एम से लेके एस तक की चाइनीज की प्रैक्टिस की, भरपूर तरीके से हमने इसकी अदायगी की। लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए एक बार फिर इन्हें दोहरा लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट वन देखिए एम है, एम को इस तरह से लिखा जाएगा और पुकारा जाएगा मो आ 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 मो आ। नेक्स्ट इज एन, इंग्लिश का एन है, एन को इस तरह से लिखा जाता है और पुकारेंगे नो आ 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 नो आ। नेक्स्ट इज ओ, नेक्स्ट इज ओ, इंग्लिश का ओ है, ओ को इस तरह से लिखा जाएगा और पुकारेंगे ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। नेक्स्ट लेटर इज पी, पी को इस तरह से लिखा जाएगा चाइनीज में और पुकारा जाएगा खो आ 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 खो आ। नेक्स्ट लेटर इज क्यू, इंग्लिश के क्यू को चाइनीज में इस तरह से लिखा जाता है और पुकारेंगे छी 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 छी। नेक्स्ट लेटर इज आर, इंग्लिश का आर है, कैपिटल और स्मॉल, आर को इस तरह से लिखा जाएगा चाइनीज में, ये चाइनीज रस्मुल खत है, चाइनीज में आर को इस तरह से लिखा जाएगा और पुकारेंगे ये 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 ये। एंड लास्ट वन इज एस, इंग्लिश का एस है, कैपिटल एस और स्मॉल एस, एस को चाइनीज में इस तरह से लिखा जाता है और पुकारेंगे सोआ 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 सोआ। हे यू गाइस एंड व्यूअर्स, देखती आंखों और सुनते कानों, आपने भरपूर तरीके से चाइनीज और इंग्लिश अल्फाबेट के जो हैं चेंजेस को देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट के हरूफ को, लेटर्स को चाइनीज में कैसे लिखा जाता है और कैसे पुकारा जाता है। गाइस एंड गर्ल्स मेक अ गुड प्रैक्टिस विद दिस, चाइनीज एक बड़ी सुरीली और अच्छी जुबान है। कीप ऑन वर्किंग, सी यू अगेन, ज़ाई चियान।